आता है तो किसान खाद लूट लेते हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी समीक्षा की है। एक घटना से पूरे मध्य प्रदेश को न जोड़े, मेरी प्रार्थना है। खाद का कोई दिक्कत नहीं है, रैक रवाना हो गई है, अगले एक दो दिन में प्रदेश में सब जगह खाद पहुंच जाएगी। ना ही सम्मानित किसान भाइयों को घबराने की जरूरत, किसान का बेटा मुख्यमंत्री है, किसान की पूरी चिंता है। नेगर को लेकर बात हो रही है, कमलनाथ जी बोल रहे हैं जब वो सांसद बने तो अच्छा राहुल बाबा के सूट बूट पहन के पैदा हुए थे। ये तो उम्र जनित है, उम्र के साथ साथ परिधान बदलती रहती है। बच्चा गोद में होता है तो हम डाइपर लगाते हैं, फिर बड़ा होता है तो नेकर पहनता है, फिर बड़ा होता है तो पैंट शर्ट पहनता है। अब दरअसल क्या है कि उम्र हावी हो रही है कमलनाथ, तो इसलिए इस तरह के बयान, बचकाना बयान जिन्हें कहती है। हमारे यहां तो बालक बुजुर्ग एक समान ही माने गए हैं, तो वही स्थिति है। कभी वो मंच पर प्रत्याशी का नाम भूल जाते हैं, कभी भाषण में पौज आ जाता है उनके में, कमोबेश वही स्थिति है। एक प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का है, क्या उदाहरण देना है इसमें। अब मैं कह दूं कि मैं 31 साल से विधायक था तब आपका बेटा ये पहनता था, अच्छा थोड़ी लगेगा। अरुण यादव जी कह रहे हैं पार्टी में कड़े अध्यक्ष थे तो उन्हें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसलिए हटाया था कि कांग्रेस में कड़गी थी। तो कुबेर को लेके आए थे 1 लाख करोड़ के व्यक्ति, कमलनाथ जी को इसलिए ले आए थे कि कड़की दूर करें। तब से अब तक वही अध्यक्ष है, फिर भी कड़की है। कड़की दरअसल कांग्रेस की आत्मीयता की कड़की अरुण यादव जी के खिलाफ जो वो कड़की बता रहे हैं वो आत्मीयता की कड़की है और कांग्रेस की कड़की है ये। अब इसके पैसे की बिजली जब 15 महीने सरकार थी तो कहां कड़की थी पता नहीं। अजय सिंह ने आर्यन खान की पैरवी की है, उनके पास ड्रग्स नहीं मिली तब भी उनको पकड़ लिया, जबकि आशीष मिश्रा पर नरमी बरती। देखो मित्र, ये तुष्टिकरण की राजनीति है। जो आर्यन खान पे बोल रहे हैं वो कश्मीर पर जो आईडी देखकर मार दिए उन पे एक भी नहीं बोल रहा, क्यों? मौत पे खामोशी, अगर आपको देखना है तो कश्मीर पे देख लो, और राजनीति अगर देखना है तो आर्यन पे देख लो। कांग्रेस का आरोप है कि कहा कि ये विवादित आदेश है और साध्वी प्रज्ञा ने भी कहा है कि इसको वापस लेना चाहिए। मैंने आदेश देखा नहीं है, पर अगर सांसद जी ने कहा है तो उसको देख लें क्या है, मैंने भी आदेश देखा नहीं। आगर मालवा में भारत माता की जय बोलने का एक विवाद सामने आया है, जय ना बोलने पर भी विवाद सामने आया वर्ग विशेष के माध्यम से। जितना विवाद होने का दुख है उतना ही भारत माता की जय न बोलने का भी हमें दुख है। जो मारपीट की है बच्चों के साथ उसमें चारों आरोपी गिरफ्तार हो गए, आज न्यायालय में पेश हुआ। ये हमारे एसटीएफ की जो राष्ट्र विरोधी विध्वंस और संगठित अपराधों से निपटने की दिशा में हमने एक और कदम उठाया है। अभी पूरे प्रदेश की सुनवाई भोपाल में ही होती थी, इससे आने जाने का समय व्यय सब कुछ बढ़ता था। अब हमने इसे 5 क्षेत्राधिकारों में और बांट रहे हैं। अब भोपाल की जगह वो जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, ऐसे 5 स्थानों पर अब इन आतंकी गतिविधियों से संबंधित आरोपियों की और अन्य अन्य जो एसटीएफ के अंदर आते हैं उनकी सुनवाई के लिए 5 स्थान के लिए हमने प्रस्ताव अग्रेसित कर दिया है। जी अरुण यादव हटा दिया है स्टार प्रचारकों की सूची में से, विवेक तनखा को रखा है, अनुसूचित जाति से आते हैं इनके प्रजापति। हाँ ठीक कह रहे हैं, आपके अनुसूचित जाति से आते हैं, अब उनके साथ में ये दिक्कत है एमपी भाई के साथ। जब उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनना था कमलनाथ जी आ गए, फिर उन्हें लोकलेखा समिति का अध्यक्ष बनना था तो पीसी भाई आ गए,
अब स्टार प्रचारकों की बात आई तो तनखा जी आ गए। मेरे ख्याल से उनका एनपी भाई का अर्थ कांग्रेस ने नॉट परमिटेड निकाल लिया है, इसलिए उन्हें कहीं परमिटेड करते ही नहीं है। कोयला संकट समझ में आ रहा है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भी कह चुके हैं इस बात को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है कोयला संकट हम नहीं आने देंगे, सरकार पूरी तरह से उस पर चेतन है, ना बिजली संकट आने देंगे, क्षणिक कोई समस्या आती है तो उसके निदान के लिए हम तत्पर हैं। प्रदेश में 29 जिलों में प्रदेश का कर्जे बराबर, सरकार बराबर कर्ज लेती जा रही है। क्या कांग्रेस ने नहीं लिया था क्या कर्जा? फर्क इतना था कि उनका जब कर्जा लिया जाता था तो आईफा अवार्ड पर खर्च होता था, हम लोग कर्जा लेते हैं तो विकास पर खर्च करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।